Hello guys, this is Live Education and today we are going to discuss about integers of class 7th math. So हमारा पहला ही टॉपिक है इंटीजर्स क्या होते हैं. तो यार देखो, इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो और इंक्लूडिंग उसमें जीरो हो, तो वो हमारा कहलाता है इंटीजर्स. यानी इंटीजर हमारा क्या हो जाता है, जीरो पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर. इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं. इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होगा और जीरो भी इंक्लूड होगा इसमें. ये हमारे इंटीजर्स होते हैं. तो यही इन्हीं के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो सब तो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. हम नंबर लाइन पे कैसे इंटीजर्स को दिखा सकते हैं. तो एक नंबर लाइन हमारा ये जो दिया हुआ है, ये हमारा नंबर लाइन है. और इसमें क्या होता है, एक नंबर लाइन जिसमें ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वाला राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं अप टू इनफाइनाइट, और लेफ्ट साइड में हमारे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं अप टू माइनस इनफाइनाइट. और ये जो हमारा जो जीरो होता है, ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना ही निगेटिव इंटीजर्स. तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे किसी भी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव इंटीजर्स को. इज दैट क्लियर? नाउ हम बात करते हैं फैक्ट्स अबाउट हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन. हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर लाइन पे, तो हम देख लेते हैं. सबसे पहला हमारा क्या है, इफ़ वी ऐड पॉजिटिव इंटीजर्स देन वी गो राइट साइड. यानी कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं किसी भी इंटीजर में, तो हम राइट साइड की तरफ जाते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 6 एक इंटीजर था, उसमें हमने 3 ऐड किया. 3 क्या कर दिया, ऐड किया. 3 हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, हाँ, तो हमारा आंसर कितना है, 9. तो हम कितना गए, ये हमारा 6 था. इस पर कितने यूनिट गए हैं, 1, 2 and 3 यूनिट गए हैं, तो 9 तक पहुंच गए. ऐसे ही अगर हम -6 लेते हैं, तो -6 भी हमारा इंटीजर है, उसमें हम पॉजिटिव इंटीजर 3 ऐड करते हैं. तो हमारा -6 यहाँ पे है और उसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारा कहाँ पहुंच जाएंगे, -3 पे. और ये हम किधर मूव कर रहे हैं, राइट साइड. तो ये बात समझ में आई. अब हम देखते हैं सेकेंड हमारा, इफ़ वी ऐड निगेटिव इंटीजर्स देन वी गो लेफ्ट. अगर हम किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर्स में अगर निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, तो हम लेफ्ट साइड में जाते हैं. हम एग्जांपल ले लेते हैं, -6 हमारे पास ये है, इसमें हम -3 ऐड कर रहे हैं. कितने कौन क्या ऐड कर रहे हैं, -3. तो -3 ऐड कर रहे हैं, तो हम 1, 2, 3 देखिए हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में. तो ये हमारा हो गया फैक्ट्स अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. थर्ड देखते हैं कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर्स देन वी गो लेफ्ट. अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी इंटीजर से, तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे. जैसे अगर हम मान लीजिए एक हमारे पास है इंटीजर -4 हमने ले लिया. अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को, यानी -3 को. तो देखिए 1 यूनिट गए, 2 यूनिट गए और 3 यूनिट गए, और ये किधर मूव किए हम, लेफ्ट साइड मूव किया. तो हमारा आंसर क्या है, -7. ये बात समझ में आई कि नहीं, 3 यूनिट हमने मूव किया लेफ्ट साइड में. अब वही फोर्थ देख लेते हैं. तो फोर्थ देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट अ निगेटिव इंटीजर्स देन वी गो टू राइट. अगर किसी भी इंटीजर में हम निगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम राइट साइड में जाएंगे. क्यों, ये भी देख लें, हमारे पास है कितना, -8 एग्जाम्पल है, और -12 हमने किया. तो ये -(-) क्या हो जाएगा, प्लस. तो -8 + 12. अब देखिए, जब भी हम किसी भी नंबर में एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं, तो किधर जाते हैं, राइट साइड. तो हम कितना जाएंगे, 12 यूनिट राइट साइड जाएंगे. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कहाँ पहुँच गए हम, 4 पे पहुँच गए. तो हम कहाँ पहुँचे हैं, 4 पे. इतनी बात समझ में, अब किधर मूव किया हमने, राइट साइड मूव किया. अब देख लेते हैं हम अगला टॉपिक हमारा, एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर. एडिटिव इंटीजर, इनवर्स ऑफ इंटीजर क्या होता है, कि अगर हम किसी भी इंटीजर में
अगर हम उसके अपोजिट साइंस को ऐड करते हैं, अपोजिट साइन को ऐड करते हैं तो हमारा नंबर क्या हो जाता है, ज़ीरो आ जाता है। तो जो हमने नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो उसको ऐड करने पे हमारा नंबर ज़ीरो आ गया, हमारा वैल्यू ज़ीरो आ गई, उसे हम बोलते हैं उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 5। क्यों? क्योंकि -5 में +5 करोगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 14 लेते हैं, 14 हमारा एक नंबर है, इसमें हम क्या करेंगे, -14 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। यानी हमारा एडिटिव इन्वर्स कितना आ गया, -14। ये हमारा एडिटिव इन्वर्स आ गया, इन्वर्स। बात समझ में कि नहीं, ये एडिटिव इन्वर्स हमारा आ गया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका एडिटिव इन्वर्स हमें इसमें देखना है। तो 5 का क्या होगा, -5, 14 का -14, -10 का 10, -6 का 6। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, जीरो ही आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा। इतनी बात समझ में है कि नहीं, हमेशा जीरो ही आएगा। तो इन सभी के केस में हमारा ये सब भी क्या हो जाएंगे, हमारे एडिटिव इन्वर्स हो जाएंगे इस इन नंबर के। इतनी बात समझ में है कि नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी दो नंबर का सम करें तो हमारा इंटीजर्स का सम करें तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर्स ही आएगा। तो ये हमारा बताता है क्लोजर प्रॉपर्टी। और उसका एडिशन अगर हम देखें, अंडर एडिशन, तो हम जब दो नंबर, एक मान लीजिए इंटीजर है, उसको उसका हमने ऐड किया इंटीजर से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे। हमारा 2 इंटीजर है, हाँ, 3 इंटीजर है, हाँ, तो 5 भी हमारा इंटीजर है, वो 2 इंटीजर है, हाँ, -3 इंटीजर है, तो -1 जो आया वो भी इंटीजर है, -2 इंटीजर है, हाँ, 3 इंटीजर है, हाँ, तो उसका सम किया 2 पर 1 आया, वो भी इंटीजर है, 2 -2 इंटीजर है, हाँ, -3 इंटीजर है, हाँ, तो आंसर कितना आया हमारा, -5, ये भी हमारा क्या है, इंटीजर्स। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को हमारा ये फॉलो करता है, कौन, एडिशन। कोई कंफ्यूजन? अब देखते हैं अगला, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। अगला हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हम देखते हैं क्या कि इफ़ वी डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर्स इज सेट टू बी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। यानी कि हम किसी भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस निकालते हैं तो जो हमारा नंबर आता है वो भी इंटीजर्स आएगा। ये बात समझ में आई, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा ये यानी कि इंटीजर का माइनस करेंगे इंटीजर से तो हमारा आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, -7 हमारा इंटीजर है, हाँ, 2 हमारा इंटीजर है, हाँ, तो 5 जो आया आंसर वो भी इंटीजर है, 7 इंटीजर है, हाँ, -2 इंटीजर है, हाँ, आंसर 9 आया वो भी इंटीजर, 7 इंटीजर है, हाँ, 2 इंटीजर है, हाँ, माइनस किया -9 आ गया, -7 इंटीजर है, हाँ, -2 इंटीजर है, हाँ, हमारा आंसर हमारा कितना आ गया, सब्ट्रैक्शन दोनों का 5 आ गया, -5 आ गया, ये भी इंटीजर है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो करता है, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब हम आते हैं अगला, हमारा जो रूल प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ़ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर अलोंग विद द रिजल्ट इट विल बी द सेम देन इट सेट टू बी एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। यानी कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं उसका हम अगर पोजीशन क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, पोजीशन हम चेंज कर दें, तब पर भी हमारा क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, सेम ही आएगा जो वैल्यू है, तो इसको कहते हैं एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ये बात समझ में, एग्जांपल हम दे लेते हैं। सबसे पहला पी है, क्यू है, दोनों का हमने प्लेस चेंज कर दिया, क्यू पी प्लस क्यू बराबर हमारा क्या होगा, क्यू प्लस पी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 23 है, हाँ, -30 है, हाँ, इसका आंसर कितना है, 7, अरे -7। इसी तरीके से हमने इसका वैल्यू एक्सचेंज कर दी, -13 और +20, आंसर कितना है, -7। तो ये हमारा फॉलो करता है, कोई कन्फ्यूज़न। अब इसी का हम देखते हैं निगेट सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हमारा फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि p माइनस क्यू हमारा बराबर कतई नहीं हो सकता, मतलब कुछ केसेस में बराबर होंगे लेकिन हमेशा नहीं होगा, इसलिए हमारा ये फॉलो नहीं करेगा कि q माइनस p भी हो जाए। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, 23 ले लिया, -30 ले लिया, दोनों का सम माइनस किया तो हमारा 53 आ गया, ठीक है।
अब इसी तरीके से अगर हमने क्या किया, माइनस 20 30 इधर लिया और उधर माइनस 20 किया तो माइनस 53 आया है। तो ये प्लस आया ये माइनस, क्या वैल्यू सेम है? नहीं, तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा डिफरेंस, यानी सब्ट्रैक्शन हमारा फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम ग्रुपिंग कर दें इंटीजर्स का, ठीक है, और उसके बाद उसका सम करें तो रिजल्ट हमारा सेम ही होगा। इतनी बात समझ में, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि इसका पहले वो देख लेते हैं जो भी हमारा डेफिनेशन है कि इफ़ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ देयर इंटीजर्स वाइल एडिंग इन केस ऑफ मोर देन टू इंटीजर्स एज अ रिजल्ट इज सेम देन वी विल कॉल इट दैट एडिशन इज एसोसिएटिव इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, p प्लस क्यू ब्रैकेट में क्यू प्लस आर, तो इसका अगर हमने ग्रुपिंग चेंज कर दिया, अब कि क्यू प्लस पी को एक साथ ऐड कर दिया फिर r अलग से ऐड कर दिया, तो ये फॉल इक्वल होगा हमेशा। चलिए एग्जांपल हम इसका लेते हैं, तो हमारे पास क्या है कि एग्जांपल है 3 + 4 + 1। अब 3 + 4 + 1 है हमारे पास, वो 3 + 4 + 1 राइट साइड में हमने रख लिया, लेफ्ट साइड में रख लिया। अब इसके बाद अगर हमने 3 + 4 को एक साथ कर लिया फिर प्लस 1 किया, ये हमारा बराबर होगा कि हम 3 को अलग करें और 4 + 1 को एक साथ रख लें। देखिए हमारा इन दोनों का सम 7 आया, इन दोनों का सम 5 आया, ये आ गया हमारे पास इधर 1 इधर 3। अब 7 + 1 कितना आएगा, 8, और 5 + 3 = 8, यानी कि LHS हमारा RHS के बराबर हुआ। यानी कि ये हमारा क्या कर रहा है, ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है एडिशन में। इतनी बात समझ में है कि नहीं? नेक्स्ट हम देखते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि हम ऐसा कौन सा नंबर किसी एक इंटीजर में ऐड करेंगे कि वही नंबर हमको मिल जाए, तो हम वो नंबर हमारा क्या होगा, जीरो होगा। वो नंबर क्या होगा, जीरो। जैसे हम देख लेते हैं, इफ़ वी ऐड जीरो इन इंटीजर देन वी गेट द सेम इंटीजर्स एज आंसर, सो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी आर फॉर इंटीजर्स, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी ये हमारी। जैसे p + 0 = p + 0 + p बराबर p ही आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 + 0 = 2 आएगा, -7 + 0 - 7 आएगा, तो ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स हमारा क्या कहता है कि अगर हम दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, तो ये कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स इज रिपीटेड एडिशन। हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कोई मल्टीप्लीकेशन क्या होता है कि किसी भी सेम इंटीजर्स का अगर रिपीटेशन कर दें, तो ऑफ एडिशन कर दें, तो वो हमारा मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा। जैसे 3 × -2, इसका मतलब क्या है, 3 × -2 है, यानी कि -2 + -2 + -2 ये बराबर 6 आएगा। अगर 3 × -2 भी करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -6 ही आएगा। इतनी बात समझ, यानी 3 बार हमारा रिपीटेशन किसका हुआ, -2 का। ऐसे 3 × 2 करते तो यानी कि 3 बार मल्टी एडिशन हुआ, रिपीटेशन हुआ एडिशन का 2 का। तो ये देखिए 2 + 2 + 2 = 6, यानी 3 × 2 भी करेंगे तब पर भी हमारा 6 ही आएगा। ये बात समझ में है कि नहीं? अब इसके बाद एक नंबर लाइन पे देख लेते हैं इसी को रिप्रेजेंट करके, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे 3 × -2 1 - 2 2 - 2 3 - 2, ये हमारा क्या हुआ, रिपीटेशन हुआ 3 times। इस तरीके से 3 × 2 को हम क्या करेंगे, 2 + 2 + 2 कितनी बार, 3 बार, आंसर कितना है, 6। इसमें कोई कन्फ्यूजन? अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स से, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव ही आएगा ऑलवेज। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर 4 × -10 करेंगे या -4 × 10 करेंगे या -4 × 10 कर देंगे, तब पर भी हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स ही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे ये 4 times क्या है, 10 है, 10 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई कन्फ्यूजन? नेक्स्ट इसी का हमारा ये 4 कितनी बार है, 10 times है, और दोनों हमारा कितना आया, -40 ही आएगा। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हमारे दो नेगेटिव इंटीजर्स है, माइनस अगर माइनस क्यू है −p है, तो या हमारा −p −q है,
ये दोनों हमारे मल्टीप्लिकेशन है, दो निगेटिव, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव ही आएंगे, p प्लस क्यू ही आए, p इंटू क्यू ही आएगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स ही हमारा आंसर आएगा। जैसे माइनस 10 माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या है, 30 आया, पॉजिटिव आ गया। अब हम आते हैं अगला टॉपिक, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री आर मोर निगेटिव इंटीजर्स। हमारे तीन या उस तीन से अधिक निगेटिव इंटीजर्स हों उसका प्रोडक्ट क्या होगा, इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ये हमारा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स कितने हैं। अगर हमारे दो निगेटिव इंटीजर्स हैं तो हमारा जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर दो हैं तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, तीन है तो वो हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर वही हमारा क्या कह रहा है, इफ़ वी मल्टीप्लाई फोर तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी कि हमारे जितने भी ऑड होंगे, ऑड नंबर का हमारा प्रोडक्ट होगा तो वो निगेटिव आएगा वैल्यू। अगर हमारा इवन नंबर होंगे तो वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, हमें प्रॉपर्टी चेक करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स का। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विल ऑलवेज इंटीजर्स, सो इट फॉलो द क्लोज अंडर द मल्टीप्लीकेशन। जैसे अगर हमारा एक p है इंटीजर्स, एक q इंटीजर्स है, तो जो आंसर आएगा r वो भी क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा। जैसे हमारे पास है माइनस 10 एग्जाम्पल ले लिया, माइनस 3 दोनों इंटीजर्स है, आंसर 30 आया, ये भी हमारा इंटीजर्स है। 12 हमारा इंटीजर्स है, माइनस 4 इंटीजर्स है, माइनस 45 इसका प्रोडक्ट आया, ये भी हमारा इंटीजर्स है। तो यानी क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारा ये रूल फॉलो करेगा। अब देख लेते हैं कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, हम इंटरचेंज करना हमें इसका पोजीशन, यानी अगर p इंटू क्यू लिखना है तो वो बराबर होगा q इंटू p, यानी ये भी हमारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है p इंटू की, p इंटू क्यू है वो हमारा क्या है, q इंटू पी बराबर है होगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 20 इंटू माइनस 30 करो, चाहे माइनस 30 इंटू 20 करो, दोनों का आंसर माइनस 60 ही आएगा। अगर 2 इंटू 3 करो, चाहे 3 इंटू 2 करो, आंसर हमारा 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी ये हमारा फॉलो करेगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ज़ीरो से तो वो हमारा नंबर होता जाएगा ज़ीरो। अगर हमने ले लिया पी, एक इंटीजर है, पी हमारा इंटीजर है, उससे हमने ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर ज़ीरो आया। जैसे एग्जांपल 9 है, 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया, या 0 को 9 से मल्टीप्लाई किया, हमारा ज़ीरो आंसर आया। 0 हमारा माइनस 15 किया, चाहे माइनस 15 इंटू 0 करोगे, वो आंसर हमारा ज़ीरो ही आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी ये कहती कि वो नंबर जिससे हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, उसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये अब ये नंबर कौन सा होगा, तो 1 हमारा होता है वो नंबर जिससे किसी भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम वही इंटीजर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, क्यू हमारा एक इंटीजर है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 1 को क्यू से मल्टीप्लाई करें, वही नंबर हमारा आ जाएगा। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 21 ही आएगा। माइनस 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 1 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा माइनस 10 ही आएगा दोनों केस में। तो ये हमारा हो गया क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पांचवा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव ये कहता है कि अगर हम चेंज कर रहे हैं ग्रुपिंग को, यानी ग्रुपिंग को हम देख लेते हैं चेंज कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा सेम ही आएगा। यानी इफ़ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स वाइल मल्टीप्लीकेशन इन केस ऑफ मूव मोर देन टू इंटीजर्स देन रिजल्ट मे द सेम, रिजल्ट हमारा सेम होगा। दिस सेट टू बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, p इंटू क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर पहले कर लो, चाहे p इंटू क्यू पहले कर लो, फिर r से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर हमारा सेम ही होगा। जैसे अगर हम 2 इंटू 3 इंटू 4 करें, चाहे 2 इंटू 3 पहले कर ले फिर इंटू 4 करें, दोनों का आंसर हमारा सेम ही आएगा। इसको देख लो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 8 इंटू 4, हमारा आंसर कितना आया 24, इधर आंसर कितना आया 24, देखो दोनों सेम आया हमारा,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हमारे ए बी सी हमने ले लिए, ए इंटू बी प्लस सी कर रहे हैं तो उसको हम लिख सकते हैं ए, एक को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी अगर हमने पी ले लिया इंटू क्यू प्लस आर कर लिया तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस लिखेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पी इंटू क्यू पहले प्लस पी इंटू आर, उसके बाद ये हमारा आंसर आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब आगे देखते हैं इसका एग्जांपल। कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास सॉल्व करना है, जैसे 35 इंटू 10 प्लस 2 करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 35 इंटू 10 पहले लिखेंगे 35 इंटू 10 फिर 35 इंटू 2 लिखेंगे प्लस करेंगे हमारा आ जाएगा 350 प्लस 17 इक्वल टू 420, ये आंसर हमारा आ जाएगा। इसी का दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब इधर कह रहा है कि 4 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 7, तो माइनस 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इधर, फिर माइनस फोर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हमारा आंसर आएगा ये 8 आ जाएगा, ये माइनस 20 आ जाएगा तो, अरे माइनस 28 आ जाएगा अगर सॉल्व करोगे तो माइनस 20 आ जाएगा आंसर। ये बात समझ में आई। अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं मल्टीप्लिकेशन का ओवर सब्ट्रैक्शन में तो वो ही हमारा फॉलो करेगा। जैसे a इंटू बी माइनस सी कर दें तो हम a इंटू बी पहले कर दें माइनस a इंटू सी फिर कर दें, तो a इंटू बी प्लस और माइनस a इंटू सी। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5 इंटू 3 माइनस 8, तो हम क्या करेंगे पहले 5 इंटू 3 करेंगे ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, फिर 5 इंटू 8 करेंगे तो 5 इंटू 8 माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस 25। इसमें कोई कन्फ्यूज़न, तो ये हमारा शो कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अगला है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, हमें डिवीज़न देखना है इंटीजर्स का क्या होता है। तो डिवीज़न हमारा सबसे पहली बात करें डिवीज़न ऑफ निगेटिव इंटीजर्स by a positive integers क्या होगा, तो अगर हम division करेंगे किसी negative integers को positive integers से तो हमारा value क्या आएगा, negative आएगा। division of inverse of multiplication so like multiplication it will divide then whole numbers then place the negative sign prior to the result, हमारा negative ही आएगा। जैसे अगर हम minus q ले लें divide करें q से, या minus p ले लें divide करें q से, या p ले लें ये positive और divide करें minus q से, तो या minus p divided by q करें तो हमारा value क्या होगा, सेम ही आएगा negative में। अब ये हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि q हमारा zero नहीं होना चाहिए। जैसे example 64 minus divided minus 8 करेंगे तो minus 8 ही आएगा, यानी negative ही आया। अब इसके बाद आगे देखते हैं डिवीज़न ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। दो नेगेटिव इंटीजर्स का डिवीज़न करना है तो टू नेगेटिव इंटीजर्स का अगर हम डिवीज़न करें तो वो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम माइनस पी एक ही नेगेटिव इंटीजर डिवाइड करें माइनस क्यू से, तो या माइनस पी डिवाइड बाई माइनस क्यू करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन एक बात याद रखना क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे माइनस 10 को डिवाइड किया माइनस 2 से तो आंसर आया 5, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा आया। क्या आया, पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई कन्फ्यूज़न। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा p बाई क्यू, अरे p डिवाइडेड बाई क्यू, ऑलवेज एन इंटी नॉट ऑलवेज एन इंटीजर्स, हमेशा जरूर नहीं कि वो इंटीजर्स हो, फ्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे हमारे पास 5 by 10 by 5, तो ये तो इंटीजर हो जा रहा है, लेकिन 5 by 10 करें तो वो 1 by 2 आएगा, ये इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा सॉल्व फॉलो नहीं करेगा ठीक है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो पी डिवाइडेड बाई क्यू करें, अगर हमने उसको रिवर्स कर दिया क्यू डिवाइडेड पी तो वो हमारा इक्वल नहीं होगा। जैसे 5 10 डिवाइडेड बाई 5 किया तो 2 आया, लेकिन 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो -1 or 1/2 आ जाएगा, ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। अब डिवीज़न बाई ज़ीरो, किसी भी नंबर में अगर ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारा
वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, लेकिन अगर जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो जीरो आएगा। ये बात समझ में है कि नहीं, ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है डिवीजन आइडेंटिटी। डिवीजन आइडेंटिटी हमारा फॉलो करेगा, क्यों? क्योंकि हमारा कोई एक नंबर ऐसा है जिससे डिवाइड करेंगे किसी भी इंटीजर्स को तो हमारा वही इंटीजर आ जाएगा, तो वो हमारा वन है। वन से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर का तो वही नंबर हमारा मिल जाएगा, इसलिए ये हमारा फॉलो करता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारा फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि पी डिवाइडेड बाई क्यू विल नॉट इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई आर विल नॉट इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी देख लें आप। -16 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आएगा -4, और -4 को -2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, लेकिन -16 को डिवाइड करो फिर 4 को डिवाइड करो 2 आ जाएगा प्लस माइनस में, और उसको -16 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8, जो कि हमारा इक्वल नहीं है 4 के, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हमारा चैप्टर होगा यहाँ पे कंप्लीट। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल आपने जब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हम एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों से मिलते हैं, जिसमें कि हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तब तक आप इस चैनल पर बने रहें जी। Goodbye.